मतलब एस्किमोस बने हुए हैं। कितनी ठंड लग रही है इधर पे यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्चुअली। हाथ ठंडे हो रहे हैं ना, हाथ एक्सट्रीम लेवल ठंडे हो जा रहे हैं। ये नहीं मानते, पता नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं वो बंदा। धीरे धीरे निकल रहे हैं, धीरे 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 स्लोली स्लोली हॉले 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 हॉले। तो दोस्तों पहुंच गया है रोहतांग पास, अभी आपको दिखाते हैं सारा। भाई बर्फ पे चढ़ रहा है, गिर रहा हूँ बस मैं। ऐसे कुछ हाल हो रखे हैं रोहतांग पास पे। थोड़े पत्थर में बैठते कपड़े पहन के आई है, कह रही ठंड नहीं लग रही। बट ये जैकेट जो मैंने पहनी नहीं थी, इसके अंदर पता नहीं चल रहा। ये बेस्ट टाइम है आने के लिए, उससे एक तो बर्फ भी मिल जाएगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सही हो रखा है, बिल्कुल एस्किमोस बने हुए हैं। मजा आ रहा है, हवा चलनी थोड़ी सी बंद हुई है तो थोड़ा सुकून मिला है। कितनी ठंड लग रही है इधर पे आके, बहुत ज्यादा तेज एक्चुअली। बिल्कुल नहीं लग रही, बस मेरे को हॉल हो गई, हाथ ठंडे हो रहे हैं ना। हाँ। हाथ एक्सट्रीम लेवल ठंडे हो जा रहे हैं। एंट्रीज है, बाकी तो बाकी कुछ नहीं, पैरों में लग रही नहीं लग रही, बस ये ठंडी हवा लग रही है। सही हवा बहुत ज्यादा है गाइस, स्काई से तो तीनों एक फ्रेम में आ जाते हैं आपकी बार। एक बार ये लो, तीनों की फ्रेम में आ गए। बहुत अल्टीमेट वेदर ना। और वो पता नहीं क्या, मैंने रील कंटेंट दे रही हूं ना, बैठ तो गई। बहुत ठंड लग रही थी, गाड़ी में आके बैठ के कोजी हो गया है, बहुत ज्यादा अब सही लग रहा है।
जा रहे हैं वापस नीचे, सोलांग वैली घूम के आएंगे अभी जाके, सोलांग वैली चलेंगे इसके बाद ना, ग्रीन होगा पूरा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, वैली तो है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे बैठ के, एंट्री भी नहीं होगी 4 बजे के बाद, हाँ बड़ा वहाँ पे तो ई पास लग रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली, यहाँ से निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हो ना तो एक चीज याद रखना, देखो ट्रैफिक तो आपको पहले आते हुए मिला अब जाते हुए मिल रहा है, तो ये ट्रैफिक तो देखो बस आपको मिलेगा, तो ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके आना पड़ेगा कि ठीक है हाँ हमें ट्रैफिक इस तरह का ट्रैफिक मिलेगा। ये देखो इनकी फंस गई है गाड़ी, ये डिजायर यूपी नंबर, अरे रहने दे यार तू, कुछ नहीं होगा मैंने सब करके देख लिया, यूपी नंबर गाड़ी फंस गई है हमारे पीछे वाले भाई साहब पागल हो गए हैं, सोच रहे हैं ऊपर से उड़ के जाएंगे, फंस गई है, बैक ले ले भाई, फंस गई भाई फंस गई, गाने इतनी तेज करके हमने, यहीं पे तो फंसी थी उसकी भी, हाँ वो भी तो यहीं लड़ाई हुई थी, हाँ ये जगह ही बकवास है, आते हुए फंसी किसी और जाते हुए भी, तो भाई चल ले, एक तो ये पता नहीं बार बार रुक रुक के ज्ञान दे रहा हूँ मेरे को, अरे तो अपने निकाल ले मेरे भाई, अरे उसकी नहीं निकल रही होगी ना, उसकी निकल गई है, यूपी वाले की तो निकल गई भाई, उतर गया उनकी गाड़ी लगा के आएगा, हमें क्या लेन देना यार, हमारी गाड़ी निकालो, बजी नीचे से सारा पूरा चक्कर में फुद्दू, मेरे पाटे, अरे देखो उल्टा जो कहां चला गया भाई, पहले गियर में ना धीरे धीरे ले जाओ, जी जी जी, ये नहीं मानते, तो पता नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बंदा पेशाब करने उसको भी यही याद आया पेशाब करूंगा, जब से सारे रास्ते उतरा निकाला, ये देखो गाइस पैराग्लाइडिंग हो रही है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो गई है, बेसिकली क्या है कि ऑल्टीट्यूड ज्यादा था तो सिर में दर्द हो गया, दोस्त के नहीं मेरे तो नहीं हुआ है, तेरे अभी होगा ना, ये तो नहीं होता इसने कहा जा रहे हैं पहुंच रहे नीचे, लंच करते हैं जा करके, बज गए हैं 3:40 और लंच करने जा रहे हैं, भाई तुम लोकल हो दैट डजंट मीन कि आप इस रोडों पर नियमों का उल्लंघन करके चलाओगे गाड़ियां, आराम से चलाओ सबको एंजॉय करने दो यार, गलत सलत गाड़ी चला के क्या मिलेगा, अवॉइड करो गाइस, वहाँ से वापस लगी भूख, देखते हैं खाना खा के दिखाते हैं आपको कैसा लगा, बहुत तेज भूख लगी है, देखो बस मेन्यू आ गया, क्या मंगा रहे थे हम, आई थिंक एक वेजिटेबल सूप, और तू अमृतसरी कुलचा, इतना मैंने पहन लिया टोपी, मैं मंगाऊंगा छोले भटूरे, अरे हाँ छोले भटूरे मंगाए, हाँ 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 चना भटूरे मंगा लिया, मैं मुंह मार लूंगी फिर, मैं तेरे पे अमृतसरी नाम करूंगा, हां हां पक्का प्रॉमिस, मैं तेरे को दे दूंगी पक्का, चलो ठीक है छोले भटूरे मंगा लो, डन, अभी आपको दिखाते हैं जो खाना आया था, मैं शुरू कर चुके थे, बहुत अच्छा खाना है, सो फार सो गुड, हमने दाल मखनी मंगाई, निधि ने मंगाया क्या अमृतसरी नान, अमृतसरी कुलचा विद चने, ये भाई चाय बहुत अच्छी है नो डाउट, हम आए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए शेर पंजाब में, ये देखो ये बिल्कुल एकदम कैफे 1947 के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, आगे थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ से तो सोलांग वैली की तरफ तो कैफे 1947 पड़ेगा, और देन ये शेर पंजाब पड़ता है रस्ते में, अच्छा मतलब अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, अभी हमने खाया मज़ा आ गया, और रिवर साइड इसकी अच्छी जैसे कैफे 1947 में ना, चलो भैया जी तो शेर पंजाब चले, पहले पहले मैं शेर पंजाब का आपको बताया था, मेरा पहले का एक्सपीरियंस 10 साल पहले जो था ना, जो बाल रोड पे शेर पंजाब है, हम लोगों ने पहले वहाँ पे खाया था 7-8-10 साल पहले, जब आए थे वहाँ पे शेर पंजाब,
तो वहाँ का आया था, वहाँ का एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत बेकार था बस, लेकिन यहाँ पे तो खाना एक्चुअली में अच्छा था, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो दोस्तों चलो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको लेके चलते हैं शाम की पार्टी में। चलो सी यू, पार्टी नहीं है, सी यू। तो आप देख रहे हो गए मेरी जैकेट की बेइज्जती करी है, इतने गंदा लग रहा है ये देखो इस जैकेट में, इतना गंदा लग रहा है इस जैकेट में। तो हमने मजबूरन इसको यहाँ से सोचा है कि हुडी थी सेक्सी है ना मेरी, नहीं हमने इसको यहीं से सोचा है कि इसको यहीं से कपड़े दिला के, यहीं से कपड़े दिला करके भेजेंगे इसे। आ गए यहाँ पे शिव, हमको कपड़े लेने हैं और निधि को सामान ढूंढना है कुछ लेने के लिए कि पैसे कहाँ खर्च करूँ जो कि मेरे पास है भी नहीं। हाँ मैंने भी चालान कट जाएगा यहाँ पे, वाइट शर्ट शर्ट ले लूँगा। हाँ आगे हम जा रहे हैं माल रोड, ये देखो ऐसा कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। आ गया माल रोड। तो भाई तू तो पूरी मार्केट घुमा है, तेरे को अभी तो कुछ दिखाई नहीं क्या? कहाँ मार्केट घुमा, मार्केट घूम रहे हैं, ऑलमोस्ट तो कवर होगी, खत्म हो जाएगी आगे जाकर के। ये ले कनाडा पिज्जा खा ले। सही में कनाडा पिज्जा है यार वो। नहीं नहीं ये पार्ट तो जाएगा, पूरी दुनिया को सुनेगा भी। तो कुछ मिला नहीं तेरे को? दो शॉल लेके आई है। हाँ। एक एक हजार के? नहीं। क्या हुआ ये मेरे को नहीं आएगी? तो गाइस हम लोग ले रहे थे शिवम के लिए कपड़े और उसको कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे कपड़े चाहता है वो। पहले तो एक तो कपड़े उल्टे सीधे लेके आया है, वो देखो कैसे पागल की तरह घूम रहा है वहाँ पे पूरा, क्योंकि स्पॉटिंग येलो हेड स्पॉट कर लो। पुलिस को अपना सामान मिला है पूरे बाजार में ढूंढने के बाद, पता है कहाँ पर जा करके? ये है तिब्बतीन मार्केट में, यहाँ पर मिला है इसको अपना सामान आकर के। ऊपर ये वो, हाँ पैपी जींस वाला शर्म आ रही थी उसको, 2000 रुपए का पैपी जींस का सामान देते हुए 200 रुपए पैपी जींस लूं मैं। और फिर उसके बाद पैपी जींस की बात नहीं है, वो वर्थ नहीं थी यार उसकी प्राइस। हाँ। आ जाओ उधर साइड चलते हैं। मेन तो ये था कि उसकी ना प्राइस वर्थ नहीं थी 2000 रुपए। ये अभी जिसने लिया है ना, ये मतलब एक स्वेटर है वाइट कलर का, और जो इसको चीज़ चाहिए थी ना बेसिकली वो मिल गई है, ठीक है, वो तिब्बतीन मार्केट में जाके मिली है। अच्छा मार्केट है वो भी बेसिकली, मतलब जो हम चीज़ ढूंढ रहे थे ना, एक पापा के एक टोपी भी ले ली इस बहाने। वो बंदी मान गए थे फर्स्ट कॉपी है। हाँ बट ठीक है, फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, दोनों ने सामान ले लिया, मैंने कुछ नहीं लिया है। तू भी कुछ ले ले। ठीक है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं ले ले। नहीं नहीं थैंक यू। ले ले। चलो देखो मनाली कुछ ऐसा रहता है रात को। अभी माल रोड होकर के आए हम, वहाँ पे ऊपर कहीं है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, आपको सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर जाना है माल रोड जाने के लिए। देन इधर होटल्स वगैरह बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखो पार्किंग बना करके बहुत अच्छा करा है, ट्रैफिक वगैरह ख़त्म हो गया है यहाँ का, और मोर ऑफ ट्रैफिक खत्म हो गया। कल तो रश था ही नहीं, आज हुआ रश। तो आ गए हम गाड़ी पे, तो गाइस घुस गए अटल टनल के अंदर। देखो 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 ये है साउथ साइड इसकी अटल टनल की, पर यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों क्यों ऐसा मन कर रहा है, यहीं पर ही रुक जाए। आगे जाने के लिए परमिट चाहिए होगा सर?